गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से। आप देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज बारिशों के साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे ट्रैफिक का फ्लो जो है हल्का सा ही सही, लेकिन थ्रेटफुल एरियाज़ में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कौमी शाहरा पे, जिस तरह से गुलिस्तान चैनल पे इस ख़राब मौसम में हम आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं, जो लोकेशंस है जहां जो थ्रेटफुल एरियाज़ है, और उसमें कहीं ना कहीं बुनियादी मकसद ये होता है कि किस तरह से यहां पे लोगों को अवेयर किया जाए। और हाईवे का भी आप जायज़ा साथ साथ में देख सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, और जगह जगह पे यहां पे पानी का मंज़र भी आप हमारे सामने देख सकते हैं। और कौमी शाहरा खासतौर जो रामबन से लेकर बनिहाल तक जो एक्सीडेंट्स के लिए हादसात के लिए जो है बिल्कुल काफ़ी मशहूर है, और इस समय जो है बिल्कुल तेज़ तरार बारिशें हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि अभी अभी जो है ये हाईवे पे ये बड़ा पत्थर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अभी खिसक कर आ चुका है, और ये पानी के मनाजर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नाले बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जब तक नया फोर लेन तामीर होता है तब तक जो है कौमी शाहरा को इस एग्जिस्टिंग हाईवे को बेहतर किया जाए। और आप देख रहे हैं कि ये हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बारिशों का मंज़र, और इसके साथ में ट्रैफिक की बात करना चाहेंगे। इस समय ट्रैफिक जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर चलता हुआ आप कौमी शाहरा पर देख रहे हैं, जिसमें पैसेंजर गाड़ियाँ इसके साथ बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ भी, लेकिन मौसम के मिजाज कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि कौमी शाहरा पर सफ़र शुरू करने से पहले आप नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ भी राबिता कायम कर सकते हैं, चूँकि ये हम सब जानते हैं कि जान है तो जहाँ है। और आप देख रहे हैं कि जब भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कहीं पे कहीं हादसा होता है तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है, लेकिन हाईवे की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बारिशों का पानी जो है कौमी शाहरा पर जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि नदी नालू जैसी सूरत हाल। और इससे बचने के लिए जो है जिस तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर जब हम बात करते हैं उसमें पैसेंजर से कहा गया है कि खसूसन जो रामबन बनियाल स्ट्रेच में डिगडोल की बात करना चाहेंगे, मारो की बात करना चाहेंगे, या शालगढ़ी के इलाके में जहां आज दिन भर जो है हल्के हल्के से जो है पत्थर खिसकते हुए नज़र आ गए, इसके साथ में पैंथियाल का इलाका वहां पर भी आज दिन में जो है कम्प्लिकेशन, चूँकि पैंथियाल का इलाका एक ऐसा इलाका जहाँ पर 50 ग्राम पत्थर भी जो है 90 डिग्री एंगल से जब गिर के आता है तो स्पीड से जो है वहाँ पे गिरता है, जिससे हर वक्त खतरा लाहक रहता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं जब बड़े पत्थर उस जगह से गिरते हैं तो वो किसी के लिए भी जो है खुदा न करे जानलेवा जो है वो साबित होते हैं। और इसीलिए हम आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने गुलिस्तान ऑफिशियल पेज के ज़रिए कि सफ़र शुरू करने से पहले आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर लें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इस समय की बात करना चाहेंगे, आज जम्मू से श्रीनगर की ओर माल बरदार गाड़ियां या पैसेंजर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई, लेकिन जिस तरह से मगर बात करना चाहेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशनगोई की गई है कि आने वाले समय में बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रह सकता है, और ऐसे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो कि स्लाइड्स के लिए और इसके साथ में रोड की बदतरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, और हकीकत भी है कि कौमी शाहरा पे रामबन बनिहाल स्ट्रेच में लोग ऊपर वाले के भरोसे पे ही इन स्लाइड वाले एरियाज़ में चलते हैं, जहां पर सरफेस भी पूरी तरह से तसल्ली बख्श नहीं है। और इसीलिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कभी लोगों को मायूसी भी देखनी पड़ती है हादसात के हवाले से। बराए रास्त मैं आरिफ वहीद आप तक ये हाईवे की जानकारी व्यूअर्स तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बेवजह गलत मौसम में स्लाइड प्रून एरिया में न फंसें, और जिससे कि फिर मुश्किलात पैसेंजरों को या आम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको हाईवे पे झेलने पड़ते हैं। आज की डेट की बात करना चाहेंगे, जिस तरह से हमने इंतज़ामिया के साथ आज इस बारे में बात की कि किस तरह के इंतज़ाम
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से रखे गए हैं। अगर कहीं पे रास्ता ब्लॉक होता है या कहीं पे कोई कम्प्लिकेसी होती है, सब रीजनल मजिस्ट्रेट के साथ इस बारे में हमने जब बात की, उनका मानना है कि शेल्टर शेड्स को एक्टिवेट रखा गया है पूरे सब ज़िला बानीहाल के अंदर, चूँकि जवाई टनल का इलाका भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जब कहीं पे रास्ता बंद हो जाता है और उसमें मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। और उसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे बानीहाल के गुंड अदलकूट में हाईवे के साथ में जो इंतज़ाम की जानिब से एक शेल्टर शेड है, उसको भी अनटोज रखा गया है, ताकि अगर इस ख़राब मौसम में कहीं पे कौमी शाहरा पे ट्रैफिक बंद हो जाता है तो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए इंतज़ामात उन शेल्टर शेड्स में किए जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि इंतज़ामिया का भी मानना है कि जब रास्ता कहीं पे बंद हो जाता है तो उसमें पैसेंजरों को भी शेल्टर शेड्स का रुख ज़रूर करना चाहिए, ताकि बाहर जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई माह, एक माह पहले जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रेलवे चौक में एक टाटा मोबाइल में दो नौजवानों की मौत हुई थी जो कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिसपे कि पूरी इंतज़ामिया को भी और आवाम को भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया था। लेकिन इंतज़ामिया का मानना है कि यहाँ पे इंतजाम रखे गए हैं, और ये साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि जायज़ा कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है इस हाईवे पे चलती है, और कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि ये नेशनल हाईवे पे ये गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही है। और ये हालात है सरफेस की, जब हम रामबन बनिहाल स्ट्रेच की बात करते हैं, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह के मनाजर है इस शाहरा पे, जहाँ पे गाड़ियों को जो है बिल्कुल एक कट मारना पड़ता है इन डिचेस से बचने के लिए। और ये भी हादसात का कारण जो है, कौमी शाहरा पे कभी कभार रहता है। और पूरी तरह से जो है आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तकलीफ़ होती है ख़राब मौसम में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, डिचेस से भरा हुआ ये रामबन बनिहाल स्ट्रेच। और जिस तरह से राइट साइड में कुछ दीवारें बनाई गई है, लेकिन स्लाइड्स का मंजर कई जगहों पर ऐसा है जिनने कई जगह पर जो है दीवारों को भी जो है यहाँ पर उड़ाकर ले गए हैं ये स्लाइड्स। और इसमें जिस तरह से आम लोग, चूंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को बेहतर जानते हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि किस सीध में यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। ये कौमी शाहरा आप हमारे सामने देख सकते हैं कि सूरत हाल जो जब बारिशें होती है तो किस तरह से लोगों को यहाँ पे मुश्किलात, छोटी गाड़ियों को, आप समझ सकते हैं कि डिचेस से भरा हुआ ये रामबन बनिहाल स्ट्रेच, और ख़राब मौसम में लोगों को तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। कभी कभार जम्मू से कौमी शाहरा पे जब पैसेंजर्स हमारे साथ बात करते हैं, उनका मानना है कि इंतज़ामिया अगर पब्लिक के लिए फोर लेन रामबन बनिहाल में तामीर करती है, लेकिन क्या तब तक इंतज़ार किया जाएगा जिस तरह से हादसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग हाईवे, तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसमें वर्किंग एजेंसीज को डिचेस को फिलअप करने के लिए या मैग्नमाइजेशन के लिए क्या यहाँ पर अहकाम सादिर नहीं करने चाहिए, ताकि लोगों की जानें भी साथ साथ बचाई जा सके जब तक नया फोर लेन रामबन बनिहाल में तामीर होता है। जहाँ पर इंतज़ार है कि रामबन बनिहाल सेक्टर में जो बनिहाल के इलाके में जवाहर टनल के दामन में यानी गुंडठार के इलाके में जहाँ दो नए फोर लेन के ट्यूब्स को इनाग्रेशन की बात की जा रही है, वहीं पर यानी काजीगुंड से लेकर बनिहाल तक फिर से लोगों को एक राहत ज़रूर नसीब होगी, लेकिन फिर बनिहाल मार्केट से रामबन तक तकरीबन 45 किलोमीटर की इस स्ट्रेच में लोगों को फिर से ख़राब मौसम में मुश्किलात मज़ीद झेलनी पड़ सकती है। चूँकि आप देख रहे हैं कि ये जो मलबे का मार्जिन है, इसे अभी पूरी तरह से रामबन बनिहाल में स्पेस क्रिएट नहीं की गई है, जिससे कि कम से कम मैग्नमाइजेशन या फिर इस तरह से जो ट्रैफिक जामिंग है उससे लोगों को बचाया जा सके। आम लोगों का ये भी मानना है कि वीवीआईपी या वीआईपी लोग जो है वो श्रीनगर से जम्मू की ओर बजरिए तयारा सफ़र करते हैं, लेकिन वो लोग जो ज़मीनी सतह पे
रामबन बनिहाल या जम्मू सनक कौमी शाहरा पे सफ़र करते हैं, माल बरदार गाड़ियों को चलाने वाले जो लोग हैं या उनके जो मालिकान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जब माल से भरी हुई गाड़ी जब डिचिस से गुजरती है तो उसे मैकेनिकल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसे हम देखते हैं कि ख़राब मौसम में या आम दिनों में भी रामबन बनिहाल स्ट्रेच में मुतद्दिद गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे कि ट्रैफिक हुकाम को भी ट्रैफिक को रेगुलेट करने में दिक्कतें पेश आती है। सवाल ये कि जिस तरह से रामबन बनिहाल स्ट्रेच में रोड की खस्ता हाली है, इससे यूटी की इकॉनमी पे भी एक बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले कई सालों से, जहाँ पे एक शख्स जिसने बैंक से गाड़ी के लिए लोन लिया होता है और से एक उम्मीद होती है कि जम्मू सनक कौमी शाहरा पे उसकी गाड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में चले और कुछ आमदनी का ज़रिया बने, लेकिन जहाँ महीने में एक गाड़ी को 15 या 20 ट्रिप लगने चाहे, वहाँ पर बुरे रोड की सरफेस की वजह से या ट्रैफिक जामिंग की वजह से उसे भी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि मेरे सामने जो बड़े बड़े आप ये ट्रॉलर देख रहे हैं और इनको भी जो है इस तंग स्पेस में अलाउ किया जाता है, और जिससे कि इस तरह के मनाजर जो है कौमी शाहरा पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्पेस की तंगी की वजह से जिस तरह से आप इस लाइव नशरियात में देख रहे हैं कि यही हकीकत है जम्मू सनक कौमी शाहरा की। और इस चीज में आप ये देख रहे हैं जो इस समय सुस्त रफ्तारी से यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ ओवरटेक करती हुई नज़र आ रही है, और साथ में आप बड़े बड़े ट्रैलर्स या इस सीध में भी आप देख रहे हैं। और ये मामला है कि मुतद्दिद जगहों पे जम्मू सनगर कौमी शाहरा पर खसूसन जो रामबन बनिहाल का स्ट्रेच है, इसमें स्लाइड्स की जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस की तंगी है, जिससे कि यहाँ पे रोड बंद होने के भी खतरात पैदा होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड वाला एरिया हम आपको दिखा रहे हैं रामबन बनिहाल इस स्ट्रेच में, और ऐसे स्लाइड्स जब उतर कर आती है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर घंटों तक रोड भी ब्लॉक रहता है, और उसके साथ में आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन बनिहाल स्ट्रेच में। चूँकि सरफेस को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन बनिहाल स्ट्रेच से हम आपको ये तफसीलात बता रहे हैं कि सफ़र शुरू करने से पहले एक दो दिन के अंदर जो ये फ़िलहाल मौसम फिर से ख़राब है, और सफ़र शुरू करने से पहले आपको नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहिए ताकि आप रामबन बनिहाल स्ट्रेच में मारोग, डिगडोल, पैंतिहाल, शालगढ़ी, रामसू के इलाके में आप स्लाइड वाली एरिया में न फंसे, और मुतलका ट्रैफिक हुकाम के साथ आप राबिता करके ट्रैफिक एडवाइजरी को देखते हुए आप सफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल मौसम के मिजाज बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जम्मू सनक कौमी शाहरा के हवाले से मैं आरिफ वहीद आप तक ये जानकारी पहुँचाता था, और उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी जो है हमारी व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंची होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आप सब खुश।